ब्रेक के बाद शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में गांव गांव में आज तक की सिस्टम की खोज लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं बिहार के एक ऐसे गांव जहां सरकारी सिस्टम तो कुछ खास नहीं है, लेकिन गांव वालों की कोशिशों ने अपना रंग जरूर दिखाया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गांव से एक भी केस सामने नहीं आया। आखिर इस छोटे से गांव ने यह चमत्कार कैसे कर दिया? हमारे संवाददाता रोहित सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। ठान ले कि कोरोना को हराना है तो एक वायरस की क्या बिसात जो आपके शरीर में घुस जाए। ऐसी ही जिद पर अड़ा है सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में एक गांव, जिस वायरस ने दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। वो वायरस पिछले दो साल से कटेला गांव की दहलीज पर आकर दम तोड़ देता है। आज तक की टीम उसी कटेला गांव पहुंची जहां कोरोना के खिलाफ जंग एक मिसाल बन गई है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से संक्रमण का फैलाव हुआ है, उसकी दरअसल मुख्य वजह कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है। मगर हम इस वक्त सुपौल ज़िले के पिपरा प्रखंड में कटैया गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं कि आखिर ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी इस गांव में पिछले दो साल में कोरोना का एक भी मरीज जो है वो देखने में नहीं मिला है। और सरकार भी मानती है, स्थानीय प्रशासन भी मानता है कि ये गांव के लोगों की सूझबूझ है और जिस तरीके से वो अनुशासित रहते हैं उसके कारण जो है इस गांव में एक भी संक्रमित मरीज अब तक देखने को नहीं मिला है। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे पहला नियम है सावधानी, और ये गांव उन छोटी छोटी सावधानियों का पूरा ख्याल रखता है। यही वजह है कि गांव में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। बीते दिनों इसी गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाया गया था और गांव के तकरीबन 150 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई थी, मगर किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इसका मुख्य वजह एक ही है कि सरकार द्वारा जो भी नियम जो है दिया जा रहा है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कोई भी बाहरी आदमी जो भी आएगा उसको जो है जैसे मतलब सैनिटाइज करके ही गांव में लाया जाएगा, ऐसे टाइप का यहां पे जो है पूर्णतः जो है व्यवस्था है और सब आदमी उसका पालन भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे गांव में बैंक है, यहां पे जो भी आदमी आते हैं पहले उसको जो है यहीं पे जो है सैनिटाइज कर दिया जाता है, मतलब गेटे पे, उसके बाद जो है अंदर उसको गाँव में प्रवेश किया जाता है। सिर्फ सावधानी और अनुशासन ही गांव की इस जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। गांव को संक्रमण मुक्त रखने का बीड़ा यहां के युवाओं ने उठाया है। गांव के द्वार पर ही पूरे तरीके से बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव के मुख्य द्वार पर 24 घंटे कोई न कोई व्यक्ति सैनिटाइजर लेकर मौजूद रहता है। गाँव का व्यक्ति किसी कारण से अगर बाहर जाता है तो वापस आने पर उसे सैनिटाइज किया जाता है, जिसके बाद ही उसे गाँव में प्रवेश मिलता है। यहाँ के सभी लोग एजुकेटेड है और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उन पर हम लोग जो है ना अमल कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक युवा हम लोगों ने एक टीम बनाया है और उसके द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है उनको हम लोग पहले सैनिटाइज करते हैं, जब जरूरी काम हो तभी किसी को गाँव से बाहर भेजते हैं। मुखिया जी से अपील किए हैं कि उनको बेसिक नीड दिया जाए और जैसे सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, ये हम लोग अपने चंदे से और मुखिया जी के भी हेल्प से हम लोग उनको गरीब तबका को दे रहे हैं। इस गांव के लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं अगर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे पहले बाहर से आए लोगों को कोविड-19 जांच करवानी पड़ती है और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही गाँव में घुसने दिया जाता है। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे क्वारंटीन केंद्र में भेज दिया जाता है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप गांव के मुख्य द्वार पर आइएगा, यहां देख सकते हैं इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है और कोई भी व्यक्ति जो आता है गांव का उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। अगर वो बिना मास्क के हो तो उसे मास्क भी जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। और बाहरी लोग जो बाहर से खाने कमाने वाले जो लोग हैं वो अगर अपने घर आते हैं तो उनको भी यहाँ रोका जाता है, उनकी बाकायदा पहले टेस्टिंग कराई जाती है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में और उसके बाद अगर वो लक्षण उसके अंदर दिखते हैं तो फिर उसे क्वारंटाइन किया जाता है और फिर 14 दिन के बीतने के बाद ही उसे गांव में जो है घुसने की इजाज़त दी जाती है।
और शायद यही अनुशासन है जिसके कारण अब तक इस गांव में एक भी कोरोना का मरीज जो है वो देखने को नहीं मिला है। इस गांव में आपसी सहमति से सभी लोगों ने किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। गांव के युवकों की टोली रोजाना हर एक घर को सैनिटाइज करवाती है ताकि गांव संक्रमण मुक्त रहे। गांव का कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से बाहर जाता है और उसके पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क उपलब्ध कराया जाता है। आज गांव की अपनी थोड़ी सी सावधानी की वजह से न केवल ये गांव कोरोना को मात दे रहा है बल्कि एक मिसाल बन चुका है। देखिए पूरा प्रखंड का कटैया मही गांव है जहाँ से युवा और ये कहिए कि पूरा समाज कोविड के प्रति शुरुआती दौर से ही काफ़ी जागरूक रहा है। वहाँ के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने के बाद ही गांव में प्रवेश दे रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त है अभी तक उस गाँव में एक भी केस नहीं है। ये सीखने लायक है कि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बाकी गाँव हैं इस कदम को अपनाते हुए यदि ऐसे बिहेव करेंगे तो पूरा का पूरा सुपौल क्या कहें पूरा राज्य इस कोरोना से मुक्त हो सकता है। काफ़ी अच्छी पहल है, स्वागत योग कदम है इस गांव के लोगों का। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार सावधानी है जो इस गांव ने दो सालों से नहीं छोड़ी और पहली लहर हो या दूसरी लहर यहां कोरोना को सिर्फ मात मिली है। रोहित सिंह, सुपौल, आज तक। अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिशें कामयाब होती हैं और यकीनन इस गांव ने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है देश भर के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं आखिर कोरोना की जंग में कैसे इंसानियत के सौदागर फायदा उठाने में लगे हुए हैं। एम्बुलेंस से लेकर वेंटिलेटर तक की लूट मची हुई है। अपनों को बचाने की जंग लड़ रहे लोगों को लूटने के लिए डकैत घूम रहे हैं। आपको बताते चले अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस सवाल को खड़ा करती हैं कि आपदा के इस घनघोर युग में आखिर ये कौन लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है उसके बावजूद जमाखोरी और ये डकैती कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच कई राज्यों की ओर से ऐलान किया गया है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर लूट का ये घिनौना खेल कैसे खेला जा रहा है उसको बताते हुए आज तक की ये ताजा रिपोर्ट देखिए। कोई किसी की नजर में कहीं भी कोई वेंटिलेटर हो तो प्लीज मुझे जरूर बताए। मेरे भाई की जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। मुझे अपनों को बचाने के लिए सोशल मीडिया में गुहार लगाती ये लड़की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। जिसे एक वेंटिलेटर की तलाश थी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद वेंटिलेटर के इंतजाम होने की कॉल आई और यहां से शुरू हुआ लालच का वो खेल जिसने शीतल को तोड़ कर रख दिया। एम्बुलेंस चालक ने सिकंदराबाद से अलीगढ़ तक मरीजों को ले जाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। परिवार मजबूर था, राजी तो हो गया लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुआ। मरीजों को एम्बुलेंस में डाल के अलीगढ़ पहुंचते कि शीतल के जीजा सुभाष रास्ते में ही मौत हो गई और भाई की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई। जैसे तैसे आनन फानन में शीतल अलीगढ़ अस्पताल के पास पहुंची तो पता चला कि वो अस्पताल नहीं बल्कि एक क्लिनिक है। लेकिन भाई को वेंटिलेटर की सख्त जरूरत थी तो शीतल रुक गई। वहीं एम्बुलेंस चालक ने शीतल के जीजा के डेड बॉडी लेकर खड़े रहने के लिए एक दिन के 25,000 रुपए की मांग की। क्या करता मान गया ना तो एम्बुलेंस से मेरे भाई को उतार रहे थे। कह रहे पहले 80,000 दो दिन का एडवांस आप करो और फिर आप 25,000 पर डे के मतलब पर सिलेंडर के हिसाब से ऑक्सीजन के से तब हम आपकी कोई हेल्प करेंगे। मैं और मेरे बड़े भाई मेरे मित्र हम लोग खड़े खड़े पसीना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब हम फंस गए कि हम करें क्या क्योंकि उन्होंने तो 1.5 लाख से ऊपर का तो सिलेंडर की व्यवस्था उन्होंने 25,000 8 सिलेंडर तो बहुत आप देखो 1 लाख रुपए तो 4 सिलेंडर का हो गया 2 लाख रुपए पड़ गए उन्होंने ऑक्सीजन बता दी। मुसीबत यही नहीं थमने वाली थी। अस्पताल की ओर से कहा गया कि वेंटिलेटर का रोजाना का चार्ज 50,000 रुपए, साथ ही डॉक्टर के हर विजिट पर 2,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर दिन में 3 बार विजिट करेगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर हर सिलेंडर पर 25,000 रुपए लगेंगे। इतने रुपयों की डिमांड सुन के शीतल टूट गई। इस बीच शीतल के पास बुलंदशहर से कॉल आया
कि वहां सस्ते में वेंटिलेटर मिल रहा है। शीतल ने मरीज को वापस एम्बुलेंस से बुलंदशहर ले जाने की बात की तो 50,000 रुपए वापस जाने के और 15,000 रुपए एम्बुलेंस को शीतल के जीजा के डेड बॉडी रखने के लिए लिए गए। हॉस्पिटल गए हम तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस हम यहाँ से जब ले जाएंगे पहले आप 50,000 वो प्लस में 50,000 जाने का हमें दीजिए। मैं उनके हाथ जोड़ रही थी, भाइयों ऐसा मत करो, हम आपके पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा गाड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक आप हमें पैसे नहीं दे दोगे। मेरे दोस्त ने उनको पैसे दे दिए कि चलो तुम लेके चलो, उनको वहां पे 55,000 दिए प्लस में उनसे कहा कि आपको बुलंदशहर हम पेशेंट उतारने से पहले पैसे दे देंगे। इलाज में देरी की वजह से शीतल के भाई ने भी दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया में शीतल का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जब अस्पताल ने इस बारे में बात की तो उसने बताया कि पहले ही मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया था। जो शख्स शीतल के अस्पताल का संचालक बनकर मिला था वो सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। ये केस हमने कभी एंटरटेन किया ही नहीं, इसलिए हमें कुछ पता भी नहीं था कि क्या बवाल होने वाला है आने वाले वक्त में। ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर ही पेशेंट था, इंक्यूबेटेड पेशेंट था। हमारे डॉक्टर ने देखा और कहा कि इंक्यूबेटेड पेशेंट है, उन्होंने साफ मना कर दिया। और शीतल नाम की लेडी से तो मेरी पर्सनली कोई बात हुई नहीं, मुझसे तो शाकिर ने बात की थी। बाद में हमें अखबारों के जरिए पता चला उसने शीतल को ये कहा था कि वो डॉक्टर है, संचालक है, जो कि उसका कोई लेना देना नहीं होता, एम्बुलेंस का सर्विस चलाने वाला इंसान है। कहानी सिर्फ शीतल की नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जो इस लालच और धोखाधड़ी का शिकार है। अलीगढ़ की रहने वाली मनीषा को उसके पति ने जीवन ज्योति अस्पताल में बुखार आने की वजह से 2 मई को भर्ती किया था। तब से मनीषा का अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। परिजन जब उसको दूसरे अस्पताल में ले जाने लगे और उसके लिए एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस के साथ आए स्टाफ ने बताया कि मनीषा की मौत हो चुकी। अस्पताल प्रबंधन ने नरेंद्र को 4,68,000 रुपए का बिल भी पकड़ा दिया। पति का कहना है कि उसकी पत्नी की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी और वो बिल बढ़ाने के लिए मृत पत्नी को भी भर्ती ले रहा है। ठंडी पड़ी हुई है इनकी, 2 दिन पहले से डेथ हो चुकी है। आज हमने इनसे रिपोर्ट मांगी तो उन्हें तुरंत में रिपोर्ट दी कि ये पॉजिटिव है, इसलिए तो हो गई इनकी। मतलब आज ये बोल रहे हैं कि हमने हमारे कोई गुनाह नहीं है, आज इनकी है। हम ये चाहते हैं इसका इस हफ्ते में कार्रवाई हो, इस हफ्ते में सील करा जाए, जितनी कार्रवाई हो हम जो आज हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो। प्रशासन अब मामले की जाँच कर रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिर कब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जब कीमत सरकार की ओर से कोविड मरीज के लिए तय की गई है तो इतने लंबे बिल क्यों? एक ओर अपनों को बचाने का संघर्ष, फिर सिस्टम से लड़ने का संघर्ष, और फिर अपनों को खोने के बाद ये संघर्ष जिससे आम जनता जूझ रही है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन रात 8 बजे सीधी बात प्रभु चावला के साथ जरूर देखिएगा। देखते रहिए।